सजदाए पुरवकार इज्तमा पुरवकार प्रोग्राम जिस दे अंदर तुसा ते मैं मौजूद हां चौधरी मोहम्मद नवीद अतारी साहब हाजी सुफियान साहब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और दिगर उन्हां दे रफका बड़ा सोहना प्रोग्राम सजाया अल्लाह ताला दोस्तां दी काबशा मिन्नत अपनी बारगाह च कबूल व मंजूर फरमाए। मैं सैयदा मैं झोली चुक के दुआ करना या अल्लाह कोई हजूर दा गुलाम खाली ना जाए, कोई दुखां दा मारा आया है, कोई मुसीबतां दा मारा, कोई परेशानियां दा मारा आया है, मौला आज जो खाली ना जाए। रमजान शरीफ दी आमद आमद है, मौला उस नेक महीने दे सदके जिस महीने विच तेरिया रहमतां दे दरवाजे सारे खुल जांदे, कोई परेशानियां दा मारा आया ते उन्हीं परेशानियां दूर कर दे, कोई मुसीबतां दा मारा आया ते मुसीबतां दूर फरमा। अजीज संगियो स्टेज की जीनत मेरे मसलक के मुक्तदर उलमा भी बैठे ने, मुहब्बत करने वाले लोग, प्यार करने वाले, अल्लाह ताला इज्जतां नाल नवाजे, शाना नाल नवाजे, बरकतां नाल नवाजे। अजीज संगियो अल्लाह दा कुरान की ऐलान पिया करदा है, इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाल। कुरान भी फरमांदा है बेशक उसने अपनी अमानत नु पेश कीता आसमान से जमीन से ते पहाड़ा ते अल्लाह ने अपनी अमानत नु पेश कीता आसमान से जमीन ते ते पहाड़ा ते फा बैनाई हमिलनाहा इन आखा या अल्लाह साडे कोल तेरी अमानत दा भार नहीं चुकया जाना। जमीन भी बोली आसमान भी बोलिया ते पहाड़ भी बोले या अल्लाह साडे कोल तेरी अमानत दा भार चुकया जाना नहीं। आवाज़े कुदरत आई क्यों नहीं चाहते हो या अल्लाह वजन ज्यादा है असा नहीं चुक सकते। इन्हां मखलूकां विचों एक मखलूक बोली या अल्लाह जे वजन चुक लईए ते की मिलेगा, फरमाया जन्नत दे नजारे। या अल्लाह जे ना चुकिए तो की मिलेगा, फरमाया जहन्नम दे अंगारे। वा अशफक नमिन हा और सारे डर गए या अल्लाह जन्नत दे नजारे बारे विच हैं जहन्नम दे अंगारे बारे विच नहीं है। जमीन भी बोली आसमान भी बोलिया ते पहाड़ भी बोले या अल्लाह साडे कोल इस अमानत दा वजन नहीं चुकिया जाना। जिसले सारिया मखलूका जवाब दे गई ना वहामल हल इंसान और इंसान वजन चुकन वास्ते तैयार हो गया या अल्लाह वो अमानत मैनू दे मैं चाहना। किन्ने आखा इंसान ने आवाज कुदरत आई इंसान ने भार डाढ़ा औखा ही जेड़ा तू कहना मैं चांसा। इंसान फिर बोलिया या अल्लाह सी ये वजन चुक ले सै। आवाज कुदरत आई इंसान ने भार बड़ा औखा है किथे जमीन दी ताकत किथे तू किथे आसमान दी पावर किथे तू किथे पहाड़ा दी पावर किथे तू तू इंसान हो के कहना के मैं चुकसा। इंसान फिर बोलिया या अल्लाह सी ये भार चुक ले सै। आवाज कुदरत आई किवें चांस हो ये वजन ज्यादा है। काजी सनाउल्ला पानीपत्ती लिख देने कि उत्थे बैठी है बाबे सादी दी रूह सादी अले रहमा दी रूह बोली या अल्लाह सी ये भार चुक ले सै। आवाज आई किवें चांस हो या अल्लाह सानू भी पता है भार घना है या अल्लाह सानू भी पता है इंदा वजन घना है पर मौला असी चुक ले सै। आवाज आई किवें चांस हो या अल्लाह सानू पता है इंदा भार घना है जदो उठ जांदा है ना मस्त ऊंठ मस्त जांदा है ते या अल्लाह मुर ए पता है कि एक मन दे बजाय दस मन चुकदा है सानू ए भी पता है कि वजन ज्यादा है पर मौला जदो तेरी अनवारो तजल्लियात दी होनी है ना बारिश मुड़ असी मस्त जाना है मस्त या अल्लाह फिर सानू सिर भी देना पिया ते असी दे देंगे पर तेरी मुहब्बत असा को नहीं छड़नी। सिर भी देना पिया ते असी दे दे सै पर तेरी मुहब्बत नहीं छुटनी। ये इंसान है जेड़ा वजन चुक के बैठा है
इत्थे उलमा दा किबला इख्तलाफ। एक बाज़ उलमा कहिंदे ने कि ये अल्लाह की इबादत वाली अमानत थी जो इंसान ने उठाई। कारी साहब आखदे ने कि अल्लाह की इबादत वाली अमानत नहीं है। जे अल्लाह की इबादत वाली अमानत होंगी तो मुड़ ये इंसान ही कर दे फ्री। ये बाकी दरख्त क्यों कर रहे ने, पहाड़ क्यों कर रहे ने, आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हमदो सना क्यों भी अभियान कर रहे। काजी साहब कहते ने कि नहीं अमानत केड़ी सी जी। काजी साहब ये अमानत केड़ी? काजी साहब फरमाने ने कि ये इबादत वाली अमानत नहीं सी, ये अल्लाह दे इश्क वाला भार आ जड़ा इंसान ने चुके है। ए अल्लाह दे इश्क वाला भार है जड़ा इंसान ने चुके। आजम ने बड़ी सोहनी गल की, कलम चुकिया ते आजम ने कलम चुक के लिखिया की अखें पैन लिया इश्क दा चोला, पैन लिया इश्क दा चोला जड़ा कदी मैला ना होवे वेख लिया है ऐसा हुसनी हकीकी जड़ा कदी फना ना होवे। हो मिल गया दिलदारी हसानू जड़ा कदी जुदा ना होवे। आजम असा इश्क नमाज़ी ओ नीति हो जड़ी कदी कज़ा ना हो। आजम असा इश्क नमाज़ी ओ नीति जड़ी कदी कज़ा होंदा